गाइज आइए सीखते हैं। हमारे पास है आसुस का टॉप गेमिंग एफ 15 i7 है, 12 जनरेशन का। इसको हमने विंडो 11 इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसका IRST भी हमने आपको सिखा देंगे। और इसका जो विंडो 11 में उसका प्रॉब्लम है, ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसको भी हमने बाईपास करना सिखा देंगे। चलो पेन ड्राइव डालते हैं पहली बार, इसको पहला काम है इसको पेन ड्राइव डालो। ठीक है, पेन ड्राइव डाल दिए और इसको रिस्टार्ट करते हैं। इसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को क्रिएट ना करते हुए सेटअप करना है। F9 अब पावर ऑन करते हैं इसको, और F2 और बटन F2 प्रेस करते हैं। और यहाँ तब यहाँ देखा था इसको पेन ड्राइव, हमारा ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव USB को इसको चाहिए सिलेक्ट। इसमें USB को जो हमारा जो पेन ड्राइव है उसको ऊपर करना आता है, सिलेक्ट करके फर्स्ट में पेन ड्राइव को रखते हैं और उसके बाद F10 करते हैं। इसको IRST फाइल डाउनलोड करना होता है, इसका मॉडल नंबर में जाके रूट के ब्राउज में जाके हमारा ये है, इसको सिलेक्ट करके IRST ये है, इसको इंटर करके ओके, इससे नहीं हुआ जाना है, फिर इसमें टैप करके ब्राउज में जाके इंटर इसका जो ये IRST फाइल है इसको डाउनलोड करने के लिए इसका साइड में जाइए ASUS सेट सपोर्ट पे, और उसका मॉडल नंबर डालिए, उसके बाद ड्राइवर में देखिए, ड्राइवर में IRST ड्राइवर देखाता है, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कीजिए, 2-3 दिखाता है, जितने भी दिखाता है उस सबको डाउनलोड करिए और इस एक्सट्रैक्ट करके पेन ड्राइव में डालिए, उसके बाद ही तब यहाँ आपको फाइल दिखाएगा और यहाँ फॉर्मेट करना आपको मिलेगा। Thank you.
अनो यो हम हमारे पास है विंडो 11, इसमें हमने यो विंडो 11 में वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना पड़ता है फॉर्मेट करने के बाद, नहीं तो इसमें यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, वो इसलिए हमने इसको बाईपास करना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को, इसलिए हमने शिफ्ट और F10 को दबाना है पहले। इसी करके हमको यो हमारा कमांड खुलता है, कमांड ऐसे करके नहीं खुला तो Fn और शिफ्ट करके फिर F10 करना, उसके बाद ये कमांड खुलेगा। और उसके बाद यहाँ टाइप करना OOBE और इसको स्लैश बाई पास और स्पेस देखिए NRO, ये नहीं हुआ तो OOBE 0 हुआ, OOBE / बाईपास NRO, इसे करके ये आता है, ये कमांड हुआ। हमने इसको विंडो 10 की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलो देखते हैं कैसे होता है ये। हमने इसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को अब नहीं डालना नहीं पड़ता, इसे करके हमको सॉल्व हुआ है। यहाँ जाके नेपाल सिलेक्ट करते हैं, यस, और यूएस स्किप, और यहाँ ये ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन आया है। इधर हम यहाँ से आगे पढ़ सकते हैं, इसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं डालना पड़ता है। ओके, ऐसे करके हमारा ये विंडो 11 हमने इंस्टॉल कर दिया है, ओके लैपटॉप में फिक्स हुआ है।